आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं कि जिसके जरिए से आप इंटरनेट पर ऑनलाइन लिंक्स शेयर करके अर्निंग कर सकते हैं। चले तो आप ट्रिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो ट्रिक के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताना चाहता हूं। वेबसाइट का नाम है edf.ly, ठीक है। एक ये साइट है और एक इसकी बिल्कुल मुतबादल साइट है shorte.st, ठीक है। shorte.st, ये दोनों तकरीबन साइट जो है वो एक जैसे ही काम करती है, ठीक है। एडफ्लाई बहुत पुरानी साइट है, लेकिन जो shorte.st है वो उसके बाद में आई थी, काफ़ी देर बाद में आई है। तो ये दोनों साइट जो हैं, ये अभी फ़िलहाल मैंने इनके ऊपर काम किया हुआ है, इनसे पेमेंट भी ली हुई है। सो मैं इन्हीं को आपको बताऊंगा। वैसे तो और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं, मैं वीडियो के एंड पे उन तमाम साइट्स का जो वो लिंक है वो आप लोगों के पास सामने शो करवा दूंगा आपको। अगर आपने उनके ऊपर काम करना होगा तो वेल गुड, बिल्कुल वैसे ही काम होगा जैसे हम इनके ऊपर करेंगे, सेम उन साइट्स के ऊपर भी वैसे ही आप लोग इजीली काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ एंड लॉगिन। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन, क्योंकि मैंने तो ज्वाइन किया हुआ, तो मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा। आप लोगों को यहाँ से साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यूज़र नेम, ईमेल, रीटाइप ईमेल, पासवर्ड। और यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे अपना कैप्चा एंटर करना है, इस पर चेक करने के बाद ज्वाइन कर देना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। शायद ये आप लोगों को ईमेल पे वेरिफिकेशन मेल भी भेजें, आपने वहाँ से जाके एक दफ़ा इसको लिंक को वेरीफाई कर लेना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अब मैं जस्ट इसमें आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैं इसके ऊपर काफ़ी देर पहले काम करता था, अब मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया हुआ है क्योंकि मैं अब काफ़ी दूसरे काम कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं लॉगिन हो जाता हूँ, यहाँ पर देखेंगे अभी भी इसमें शायद मेरे $33 पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मेरी आज तक की टोटल, यानी कि ये अब तक की टोटल मेरी अर्निंग हो चुकी है जो मैंने विड्रा भी करवाई हुई है। तो आप लोग भी इजीली इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अर्निंग करने का इस पर एक तरीका कार क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे लिंक्स नज़र आ रहे होंगे, मैंने जो लिंक्स इससे कन्वर्ट किए होंगे। अब आपने, मिसाल देता हूँ कि आपने किसी बंदे को कोई लिंक देना है, मिसाल देता हूँ कि आप कहते हैं कि गूगल पर जाओ, तो आपको क्या कहोगे, लिखो यहाँ पर www.google.com, तो वो जस्ट इस साइट पे चला जाएगा। इससे ना उसको तो फ़ायदा हो जाएगा कि वो आपकी साइट वो गूगल पे चला गया, लेकिन इससे आपको फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अब आपने अगर फ़ायदा क्रिएट करना है इसे, तो आप क्या करें कि आप उसको ये कन्वर्टेड लिंक सेंड करें अपने अकाउंट से। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर लिखें http://, यानी कि गूगल का लिंक, ये स्टार्टिंग में लिखना लाजमी होता है लिंक के पहले, www.google.com, और यहाँ पर आके इसको श्रिंक कर दें। अब ये आपको एक न्यू लिंक क्रिएट करके देगा। अब आप ये लिंक जो है अपने दोस्त को देंगे, वो अपने एड्रेस बार में इसको पेस्ट करके जब एंटर करेगा, तो अब इसके थ्रू से जब कोई लिंक ओपन करेगा तो आपको इस लिंक की मदद से एक व्यू मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो अब डायरेक्ट गूगल पे नहीं गया, वो पहले इस साइड पर आएगा, ये 10-5 सेकेंड की एड चलती है, फिर उसके बाद वो इस बटन को क्लिक करेगा, स्किप एड। तो जैसे ही वो इसको क्लिक करेगा तो वो गूगल की साइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो अब इससे क्या हुआ कि आपको एक क्लिक मिल गया इससे, ठीक है। किसी ने भी इस लिंक के थ्रू गूगल पे अब जाएगा तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे ये तकरीबन 1000 के ऊपर आपको $5 देते हैं। इनका मैं आपको डिटेल यहाँ पर दिखा देता हूँ, कहाँ पे इनकी पे आउट रेट्स, ठीक है। ये लास्ट में लिखा हुआ पे आउट रेट्स, यहाँ पे बताया हुआ है यूनिक एवरेज अमाउंट पेड फॉर 1000 विजिटर्स इन 24 आवर पीरियड, ठीक है। यानी कि 1000 पीरियड के ऊपर ये बता रहे हैं कितना मैं दूंगा, कितने देंगे आपको। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, ये सारी कंट्रीज का बताया हुआ है। अगर तो यूनाइटेड स्टेट से 1000 लोग आपके इस लिंक पर क्लिक करेंगे मोबाइल से, तो $4.88 मिलेंगे। अगर वो कंप्यूटर से लिंक को ओपन करते हैं तो $10.81 मिलेंगे, 1000 व्यूज अगर इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके कनाडा से कुछ और रेट है, यूनाइटेड किंगडम के कुछ और रेट्स हैं। तो बस आपने लिंक शेयर करना चाहे जो मर्जी आए, आपके पैसे बनते रहेंगे। अब इसके ऊपर रही बात कि अब आप लोग इसके ऊपर पैसे कैसे कमा सकते हो, यानी कि आप कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी यूज़ करोगे कि आप अर्निंग कर पाओ। मैं आपको एक स्ट्रेटजी छोटी सी बताता हूँ जो मैं यूज़ करता था, वो ये थी कि आप जस्ट गूगल पे सर्च किया करो,
कोई भी गेम जिसका आप जो आपको पसंद है और आपको लगता है कि बाहर भी बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे यहाँ पे लिखें आप प्लांट वर्सेस ज़ोंबीज, ये काफ़ी अच्छी गेम है जो चल भी रही है वो एंड्रॉयड के लिए। ज़ोंबीज अनलिमिटेड कॉइन्स, ये अनलिमिटेड कॉइन्स का क्या है मतलब है कि ये हैक की होगी किसी ने किसी गेम, और APK का मतलब ये एक्सटेंशन है एंड्रॉयड में जो इस्तेमाल होती है। आपने जैसे इसको ओपन करना है, ये लिंक आ गया फर्स्ट वाला। अब आपको नहीं पता कि यहाँ पर सही फाइल पड़ी भी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, बस आपने अर्निंग के पर्पज़ से हमने देखना है इसको। आपको ये साइड मिली, आपने जैसे इसको कॉपी किया इसके लिंक को, आप यहाँ पर आए अपने अकाउंट में एडफ्लाई के अकाउंट में, यहाँ से होम पर, ठीक है, हमने अभी रेट्स ओपन किए हुए हैं, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर दिया लिंक को और श्रिंक कर दिया, आपके पास ये लिंक आ गया। अब क्या होगा कि आप ये कॉपी करें लिंक और फेसबुक पे अपने पेजेस पे जाएं। यहाँ पे आपने अब ग्रुप्स के अंदर जाना है या यहाँ पे सर्च करना है प्लांट वर्सेस ज़ोंबीज, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, यहाँ पे ग्रुप्स को क्लिक करना है, और इससे रिलेटेड जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जैसे इसमें 7000 मेंबर है, इसमें 5000, इसमें 10000, आपने तीनों को एट अ टाइम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको ये अप्रूव कर देंगे रिक्वेस्ट, तो आपने क्या करना है, ये जो लिंक है अपना, इस ग्रुप में आकर पेस्ट कर देना। अभी तो मैं इसमें पेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे अप्रूव नहीं किया। जैसे ही अप्रूव कर लेंगे आप इसमें पेस्ट करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये ग्रुप ही प्लांट वर्सेस ज़ोंबीज का है, तो इसमें जहरी बात है कि प्लांट वर्सेस ज़ोंबीज में इंटरेस्टेड पीपल जो हैं वो होंगे। अब फिल वक्त के लिए तो इन्होंने मुझे अप्रूव नहीं किया, तो मैं आपको अपने ही किसी ग्रुप के अंदर ये शेयर करके बताता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने पेज के अंदर आपको जो है ना वो अब ट्राई करके बता देता हूँ। अब यहाँ भी क्या लिखें, आप क्या करें, एक और चीज़ करें साथ में, अगर आपने ज़्यादा लिंक्स के ऊपर क्लिक्स लेने हैं, तो यहाँ पर आप गूगल पर जस्ट सर्च करें प्लांट वर्सेस ज़ोंबीज, और इधर से इमेजेस को क्लिक करें, और यहाँ पे बेशक लिख दें अनलिमिटेड कॉइन्स, प्लांट वर्सेस ज़ोंबीज अनलिमिटेड कॉइन्स या सन, ठीक है। ये यहाँ पर अब क्या है कि आपके पास कोई ना कोई इमेज आ गया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो सा इमेज आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आपने पकड़ लेना है। उससे फ़ायदा ये होता है कि ना अट्रैक्टिव आपकी जो है ना पोस्ट बन जाती है। यहाँ ऐसे इसको आप क्या करें, एक दफ़ा राइट क्लिक करें इमेज को और सेव कर लें अपने कंप्यूटर में, और अब उस ग्रुप में आना है। ये तो अभी मैं सिर्फ दिखाने के पर्पज़ के लिहाज से, सिखाने के पर्पज़ के लिहाज से अपने ही पेज के अंदर पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने उन ग्रुप्स में करना है जो इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके अंदर आकर इसको पेस्ट कर देना है लिंक को पेस्ट करना है, साथ ही इसके लिए लिख भी देना है डाउनलोड प्लांट वर्सेस ज़ोंबीज गेम फॉर एंड्रॉयड विद अनलिमिटेड कॉइन्स एंड सन्स। यहां पर आप आकर क्लिक किया लिखिए, क्लिक Here. ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो इमेज है ये कोई इतना खास नहीं है, आपने यहाँ पे ये क्रॉस का बटन है इसको खत्म कर देना है, और यहाँ पर इसी के एंड पर आकर यहाँ पर आपने एक इमेज भी लगा देना है, वही इमेज जो आपने भी डाउनलोड किया था यहाँ पर। अगर आप इससे भी खूबसूरत इमेज बना सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, कि ना उससे फायदा ये होता है कि आपकी जो इमेज और भी खूबसूरत लगने लग पड़ती है, ठीक है। अब ये आ गई, अब इसको हम करते हैं पब्लिश। अच्छा, जब आपकी पोस्ट के अंदर एडफ्लाई के लिंक्स आएंगे ना, तो ये आपसे ये सिक्योरिटी ज़रूर मांगेगा LF, ये अब आपने लिखना जो इसमें लिखा हुआ है MNRHJ एंड सबमिट। अब यहाँ पे देखते, ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से वो पोस्ट यहाँ पर शो हो रही है। अब क्या है कि जहाँ जिसको भी यहाँ से जिसकी भी नज़र से ये पोस्ट गुजरेगी वो ये एक दफ़ा पढ़ेगा डाउनलोड प्लांट वर्सेस ज़ोंबीज गेम फॉर एंड्रॉयड विद अनलिमिटेड कॉइन्स एंड सन, तो वो इस लिंक को क्लिक करेगा। तो जैसे वो इस लिंक को क्लिक करेगा वो एडफ्लाई की एड पे चला जाएगा, उसको 5 सेकंड के लिए वेट करना होगा। 5 सेकंड जैसे ही वो वेट करेगा उसके बाद यहाँ पर स्किप एड का बटन आ जाएगा, वो यहाँ से इसको क्लिक करेगा तो डायरेक्ट
रिडायरेक्ट हो जाएगा उस साइट पर जिसका आपने ये लिंक शेयरिंग किया था। ठीक है, तो ये देखिए उसकी साइट पर पहुंच गया। अब ये तो था कि आप एडफ्लाइस से अर्निंग कर रहे हैं। अब अगर आपने इन दोनों साइट से एट अ टाइम पे अर्निंग करनी है तो उसका फायदा, उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, ये शॉर्टेस्ट जो साइट है इसके लिए भी आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी बना हुआ, तो मैं जस्ट लॉग इन करूंगा इसके अंदर। ठीक है, इसमें भी अभी मेरे $3 समथिंग पड़े हुए हैं। अच्छा, अब इसमें क्या करना है कि अब आपने एक ही लिंक को इन दोनों से श्रिंक करवा देना। यानी कि क्या कहने का मतलब है मेरा, मिसाल तौर पे ये जो आपने ये लिंक लिया था, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एड फ्लाई में जाता हूँ, यहाँ पे डू एन अदर को क्लिक करता हूँ। अगर आपने एक और लिंक को श्रिंक करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, श्रिंक कर दिया, ये आपका एक दफ़ा श्रिंक हुआ, इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी हो गया। अब आए शॉर्टेस्ट साइट के अंदर, यहाँ पर वो लिंक पेस्ट करें एड फ्लाई वाला, इसको भी शॉर्टन कर दें। अब ये, अब इसके ऊपर डबल एड लग चुकी है, यानी कि वो पहले एडफ्लाई से शॉर्टेस्ट में आएगा, यानी कि शॉर्टेस्ट में आएगा तो शॉर्टेस्ट से फिर एडफ्लाई पे जाएगा, एडफ्लाई से उस वेबसाइट पे जाएगा। तो जो बंदा इस साइट पर आएगा, ये देखिए जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, योर लिंक हैज़ बीन कॉपीड, कॉपीड हो गया। मैं दोबारा आता हूँ और एक और नई पोस्ट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा से लिखता हूँ वही, पहले मैं लिंक पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर फिर वही लिखता हूँ। ठीक हो गया, और इसको मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर। अब यहाँ पे फिर अगेन से मैं इमेज लगा दूंगा, ओके, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। द कॉन्टेंट यू आर ट्राइंग टू शेयर इंक्लूडिंग अ लिंक दैट आवर सिक्योरिटी सिस्टम डिटेक्ट टू द अनसेफ, प्लीज रिमूव दिस लिंक टू कंटिन्यू, इफ यू थिंक यू आर सीइंग दिस बाय मिस्टेक प्लीज लेट अस नो। अच्छा, एक और चीज़ की मेरे ख्याल से फेसबुक वालों ने अब स्ट्रिक्ट कर दिया ये काम, और उन्होंने यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस लिंक को, सो आप ये लिंक यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकते। अब इस लिंक को पेस्ट करने का तरीका कार क्या है कि आप पहले इस लिंक को कॉपी करें और पहले इससे श्रिंक करवाएं, शॉर्ट एंड अदर लिंक, पहले आपने शॉर्टेस्ट से श्रिंक करवाना है। जैसे ये श्रिंक हो जाए, अब इसका लिंक कॉपी करके एडफ्लाई में पेस्ट करना है और दोबारा से श्रिंक करवा देना है, और ये कॉपी करके अब आपने दोबारा से जाना है अपने इस पोस्ट में, और यहाँ पर इसकी जगह पर ये जो लिंक है इसकी जगह पर ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, और आप पब्लिश करके देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ आपने ये कोड डालना है 3xblm2l सबमिट, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया था, BAP4R9C। अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये देखिए ये पोस्ट आ गई। अब इसका फायदा क्या होगा, अब जो भी इस लिंक को क्लिक करेगा तो पहले वो एडफ्लाई लिंक पर जाएगा, 5 सेकंड वो यहां पर वेट करेगा, और उसके बाद वो शॉर्टेस्ट की एड पे चला जाएगा। अब वो 5 सेकंड इस एड पे वेट करेगा और स्किप करने के बाद अब वो उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या हुआ कि आपको एक ही लिंक से दो साइट्स के ऊपर व्यू मिल गया, एडफ्लाई पर भी और शॉर्टेस्ट पर भी। अब मैं आप लोगों के साथ और भी साइट्स शेयर करूंगा, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि एक ही लिंक के ऊपर 10-10 साइट्स ऐड करवा देनी है। इससे क्या होगा कि जो यूज़र आपकी साइट पर जाना भी चाह रहा है ना, इस लिंक को क्लिक करेगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो लिंक को सही तरीके से ओपन नहीं करेगा। तो आप जस्ट दो ही यूज़ करें, एडफ्लाई और शॉर्टेस्ट, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बाकी तमाम भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के अंदर कुछ लोग हैं जो करना भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जो ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, ये मैं खुद अपने लिए यूज़ करता था। अगर आप लोगों के माइंड में और भी तरीक़ेकार हैं जिससे आप इन लिंक्स को शेयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप लोग ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। ओके, तो अब एक और बात है वो ये कि अब आप लोग ये कहते हैं कि हम इससे पेमेंट कैसे निकलवा सकते हैं। अब एडफ्लाई के अंदर यहाँ पे विड्रा की ऑप्शन है, इसी तरीके से शॉर्टेस्ट के अंदर भी विड्रा की ऑप्शन है,
एडफ्लाई का पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये देखें इसमें अभी मेरी ऑल अवेलेबल अर्निंग $2-3 अभी पड़ी हुई है इसमें। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, पियोनियर, पेजा, परफेक्ट मनी, इन तीनों चीज़ों से आप जो है वो विड्रा करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लोग अपना पियोनियर का कार्ड बनवा लें। अब आप लोगों को तो नहीं पता कि पियोनियर का कार्ड कैसे बनाते हैं, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो पियोनियर के हवाले से भी वीडियो अपलोड कर दूँगा कि आप पियोनियर का कार्ड कैसे बनाते हैं। और जैसे आप बना लेंगे तो वो आपके पास जो पेयोनियर की डिटेल्स होगी वो आपने यहाँ पर आकर ऐड करवा देनी है, तो आपकी जो पेमेंट है वो पेयोनियर में चले जाएगी, पेयोनियर के कार्ड में चले जाएगी, और वो कार्ड आप कहीं किसी भी एटीएम मशीन से विड्रा करवा सकते हैं। कार्ड के थ्रू आप पेमेंट जो है किसी भी एटीएम मशीन से विड्रा करवा सकते हैं। इस तरह से इसके लिए भी है कि इसमें भी आप पेपाल, अच्छा अभी इसके अंदर जो है वो पेपाल है या और मेरे ख्याल से कौन से पेमेंट प्रोसेसर, मैं चेंज क्लिक करके देख लेता हूँ। यहाँ पर है ये पेपाल से देता है पेयोनियर, पेयोनियर के साथ की मदद से ये भी देता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपका पेयोनियर का कार्ड बना होगा तो आप पेयोनियर की मदद से इसमें से भी निकलवा लेंगे पेमेंट, तो आप जो है वो पेयोनियर के अंदर पेमेंट आ जाएगी, तो आप उसको विड्रा करवा लेंगे किसी भी एटीएम मशीन के थ्रू। तो अब बहुत जल्द मैं वो अपलोड कर दूंगा वीडियो भी, तो आप लोग देख लेना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।